हेलो दोस्तों, वेलकम टू धाकड़ साइंस क्लासेज। मैं जगदीश धाकड़ फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। दोस्तों, हमने रीट के हम गणित पढ़ रहे हैं। हमने गणित में ध्यान रखना, ये लेवल फर्स्ट और सेकंड दोनों के काम किए हैं। आप ये मत सोचना कि सेकंड सेकंड काम क्या जाएगी, क्योंकि हम इसको बारीकी से पढ़ रहे हैं और लगभग सिलेबस कॉमन ही है, ज़्यादा कोई अंतर नहीं है इसमें। तो इधर ध्यान देना दोस्तों, हमने जो रेखा कोण पढ़ लिया, त्रिभुज पूरा कर लिया, उनके मैंने अभ्यास प्रश्न भी कल करवाए। और भी जो आपको अभ्यास प्रश्न करने हो ना, तो आप कोई अच्छी सी बुक लेके उससे करें, और जो नहीं आता है ना उसको कमेंट कर देना, मैं आपको क्या करूँगा उसका उत्तर दूंगा। दोस्तों इधर ध्यान देना, आज जो हम अगला टॉपिक स्टार्ट, 30 मिनट के अगले टॉपिक हैं। ध्यान रखना, हमने रीट में 3 नंबर की तैयारी कर ली अब तक, यानी कि 6 घंटे हैं हमारे यूट्यूब पे जो वीडियो डाल रहे हैं, 6 घंटे में हमारे 3 नंबर मिल जाएंगे। मैं आराम से, कोई नहीं रोक सकता 3 नंबर को। आप एक बार अच्छे से वीडियो को देख लेना, फिर जो मैंने अभ्यास प्रश्न कराया वो कर लेना, फिर बुक से प्रैक्टिस कर लेना। आपके 3 नंबर कहीं नहीं गए रेट में, और 3 नंबर रेट में सिलेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, पता है ना आपको ये चीज़। तो दोस्तों इधर ध्यान देना, आज हम चतुर्भुज की बात करते हैं। देखो, नाम से पता चल रहा है त्रिभुज में क्या, हमने 3 शीर्ष बनाए थे, यानी 3 रेखाखंड बनाई थी, चतुर्भुज में 4 रेखाखंड बनेगी। तो इधर ध्यान देना, मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे 4 बिंदु लगा रहा हूँ। मैंने बिंदु मैंने पढ़ा दिया पहले, देखो बिंदु, ये मैंने ये क्या किया, देखो ये ए बिंदु है मेरा, ये क्या है मेरा बी बिंदु है, ये मेरा सी है, और ये कौन सा है डी है, मान लो। ठीक है दोस्तों, तो इधर ध्यान देना दोस्तों, अब मैं क्या करता हूँ, इस बिंदु से ध्यान रखना, ये मेरा बिंदु है ना, इस इन दोनों बिंदु को मिला दूँ मैं, और ध्यान रखना इससे मैं इस बिंदु को मिला दूँ, और इससे मैं क्या करूँ, इस बिंदु को मिला दूँ, और इससे मैंने देखो इस बिंदु को मिला दिया। ठीक है ना दोस्तों, मैंने क्या किया, देखो इस बिंदु के जो जोड़े पे बैठा था ना उसको मिला दिया। अच्छा, एक मिनट, इसको ध्यान से देखना, क्या मैं इसको और इसको भी मिला सकता हूँ क्या? बिल्कुल, इसको और इसको भी मैं क्या कर सकता हूँ, मिला सकता हूँ। तो इधर ध्यान देना दोस्तों, मैं क्या बोल रहा हूँ कि 4 रेखाखंडों से समतल है। देखो किस पे बना रहे, बोल्ट पे तो बना रहे। एक बार तो रीट में फर्स्ट लेवल में तो ऐसा प्रश्न आ गया कि निम्न में से समतल का उदाहरण है। देखो ऑप्शन क्या क्या थे, कांच, गिलास और कागज, ऐसा कुछ उदाहरण था, तो उसमें कागज वाला ऑप्शन सही था। तो ऐसे ही प्रश्न आ सकते हैं, देखो। ठीक है ना दोस्तों, तो इधर ध्यान देना, देखो ये क्या है मेरा ए बी सी डी, मैंने एक चतुर्भुज बना दिया। चतुर्भुज क्यों बोला, क्योंकि इसकी देखो भुजा कितनी, 1 2 3 4 भुजा है इसमें, इसलिए क्या बोल दिया इसको मैंने। तो ध्यान देना, यहाँ पे लिख दूँ मैं इसकी भुजा कितनी है, देखो भुजा की संख्या है 4, तो इसमें भुजा कितनी है, भुजा तो 4 है इसमें। हाँ, तो दोस्तों ये चीज़ समझ में आ रही नहीं आ रही, ये चतुर्भुज बन गया। तो इसकी परिभाषा, चतुर्भुज की परिभाषा आप वीडियो को देखो, मैं तो यहाँ पे लिखूंगा नहीं, केवल बोलूंगा, आप वीडियो को रोक के लिख लेना। चतुर्भुज की परिभाषा बोल रहा हूँ मैं, देखो समतल में, सुनना ध्यान से, समतल में 4 रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति, क्या बंद आकृति को चतुर्भुज बोलते हैं। एक बार वापस सुन लीजिए, समतल में 4 रेखाखंडों से बनी बंद आकृति, ये भी बोल सकते हो, बनी बंद आकृति को क्या बोलते हैं, चतुर्भुज बोलते हैं। तो दोस्तों चतुर्भुज की परिभाषा लिख ली, ठीक है, समझ में आ गई। और ये चतुर्भुज का चित्र है, मतलब कि 4 रेखाखंडों से जो आकृति बनती है ना, और वो बंद आकृति होनी चाहिए। बंद आकृति मैंने त्रिभुज में समझा दी क्या होती है, खुली आकृति और बंद आकृति की बात कर ली मैंने, तो उसको आप देख लो एक बार। ठीक है, अब ध्यान देना इसमें, देखो इसमें भुजा कितनी है, 1 2 3 4 भुजा लिख दिया। अब इसमें कोण कितना बन रहा है, देखो मैंने बताया था ना, एक बिंदु से अगर 2 किरणें निकलती है, एक बिंदु है उससे 2 किरणें निकल रही है ना, तो क्या बनेगा वो कोण बनाएगी। तो देखो एक बिंदु है और ये 2 किरणें निकल रही है, तो ये कोण बन जाएगा मेरा, ये कोण बन जाएगा, और ये कोण है, ये कोण है, बताओ इस ये कितने कोण बने, 1 2 3 4, 4 कोण ही बने ना। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ कोण कितने हुए, एंगल, हमारे पास एंगल हुए 4, कोण कितने हो गए दोस्तों 4। अब ध्यान देना, अब मैं आगे क्या बोल रहा हूँ, अब ध्यान देना, मैंने बताया, देखो देखो इस बिंदु से मैंने, इस बिंदु जो था ना, ये बिंदु था मेरा और ये बिंदु था, इससे तो मैंने इस रेखाखंड को मिला दिया। अब मेरे दिमाग में एक जिज्ञासा उत्पन्न हो रही कि क्या मैं इस बिंदु को और इस बिंदु को मिला सकता हूँ, मतलब मैं बी और डी को मिला सकता हूँ। मिला सकते हो, बिल्कुल मिला सकते हो, तो इससे क्या बोलेंगे, ध्यान देना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इनको बोलते हैं हम सम्मुख। सम्मुख क्यों, क्योंकि देखो इसका मुख इधर है, इसका मुख इधर है, और इसका मुख भी किधर है, इधर है, तो इसका मुझे वो सम्मुख का सीधा मिलने होता है आमने सामने। जब जब हम जिमने जाते हैं ना, तो एक पंगत इधर बैठती है, एक पंगत इधर बैठती है, तो ये पंगत क्या है, आमने सामने, यानी सम्मुख पंगत बैठी है। समझ में आ रही दोस्तों चीज, तो इधर ध्यान देना बात, यहाँ पे मैं ये कर रहा हूँ कि बी के सम्मुख कोण कौन सा है, तो कोण डी है, और कोण सी के सम्मुख सम्मुख कौन है, तो ए है। सम्मुख का मतलब समझ में आ गया, सामने, सम्मुख का मतलब होता है सामने। तो अब ध्यान देना इधर, तो आप बोलोगे कि सर इस बिंदु को और इस बिंदु को भी आप मिला सकते हो, तो इसको भी मैं मिला देता हूँ। देखो इसको भी मैंने क्या किया, मिला दिया, ये थोड़ा सही नहीं मिला, लेकिन अब ध्यान देना मैं ये सही मिला देता हूँ। देखो ठीक है दोस्तों, समझ में आ रही है चीज़, अब ध्यान देना। अब आप बोलोगे कि ये मिल गए ना, इनको क्या बोलेंगे, तो ध्यान रखना इनको ये चतुर्भुज होता है उसके विकर्ण बोलते हैं। अरे आपने देखा होगा, देखो इसको छिपा दो, तो हम समकोण त्रिभुज में वो विकर्ण नहीं बनाते थे क्या, कर्ण, 2 बिंदु को मिला देते थे, कर्ण बनाते थे, वही वाला यहाँ पे क्या बनता है, चतुर्भुज में विकर्ण बनता है। समझ में आ गई, तो
तो ध्यान रखना इसमें विकर्ण कितने बन जाएंगे, तो वही है वी लगा दिया आपके, ये लगा दिया विकर्ण, विकर्ण कितने बन रहे थे वो गिन लो, एक दो बन रहे, तो ये दो विकर्ण बन रहे। अब ध्यान देना मेरा ये बताने का मकसद क्या है, मेरा बताने का मकसद ये है कि इनको आप जोड़ दो कितने बन जाएंगे, देखो ये 10 बन रहे। तो एक ध्यान रखना चतुर्भुज में कितने अवयव होते हैं, चतुर्भुज में कितने अवयव या घटक होते हैं बताओ, अवयव या घटक होते हैं 10 होते हैं। ये ध्यान रखना, रीट में पिछली बार एक बार प्रश्न आ चुका कि त्रिभुज में कितने अवयव होते हैं, तो 6 अवयव होते हैं उसमें। ये इसी प्रकार इस बार भी आ सकता है कि मान लो कि चतुर्भुज में कितने अवयव होते हैं, ऑप्शन आ जाएगा 8, 9, 10, 11, 12, ऐसे कुछ ऑप्शन आ जाएगा। तो आप क्या लगाना है, 10 लगाना है। यहाँ तक की बात क्लियर है, अब आगे ध्यान देना। अब मैं लिख रहा हूँ कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, यहाँ पे लिख रहा हूँ देखो मैं चतुर्भुज है चतुर, ध्यान देना देखो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, चारों कोण कौन से, चतुर्भुज में चार कोण है ना, चारों कोण ये लिख देते, चारों अंत कोण लिख देते हैं, चारों अंत, अंत का मतलब होता है अंदर, चारों अंत, चारों अंत कोणों का योग कितना होगा, तो चारों अंत कोणों का योग जो होगा ना, ध्यान रखना ये योग होता है 360 डिग्री, 360 डिग्री, ठीक है कि नहीं दोस्तों। अंत कोण का मतलब इसका मतलब अर्थात निष्कर्ष निकला, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर 360 डिग्री आ जाएगा। दोस्तों यहाँ तक समझ में आएगी नहीं ये चीज़, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं केवल 5 सेकंड दूंगा स्क्रीनशॉट लेने के लिए, फिर मैं आगे आपको क्या बताऊंगा, त्रिभुज के प्रकार बताऊंगा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, देखो अब तक मैंने बात किया आपको चतुर्भुज के बारे में, चतुर्भुज में मैंने बताया आपको, बताओ चतुर्भुज में भुजा कितनी होती है, चतुर्भुज में भुजा होती है 4, कोण कितने होते हैं 4, विकर्ण कितने होते हैं 2, कुल मिला के अवयव कितने हो गए 10। तो एक चतुर्भुज के निर्माण के लिए कितने अवयव की आवश्यकता होती है, एक चतुर्भुज के निर्माण के लिए कितने अवयव की आवश्यकता होती है 10। चतुर्भुज के अंत कोण का योग कितना होता है 360 डिग्री, ठीक है यहाँ तक क्लियर। अब हम बात कर लेते हैं चतुर्भुज के प्रकार की, चतुर्भुज के प्रकार क्या क्या होते हैं इसकी बात करते हैं। तो इधर ध्यान ना मैं यहाँ पे हेडिंग लगा रहा हूँ चतुर्भुज के प्रकार, चतुर्भुज के प्रकार, ठीक है दोस्तों, यानी चतुर्भुज का वर्गीकरण, वही बात वाली बात। पहला वर्गीकरण मैं कर देता हूँ इसका, ध्यान रखना मैं पहला बोल रहा हूँ आयत, ध्यान रखना आयत की आकृति आपने छोटी क्लास में बहुत पढ़ी होगी आयत की, ठीक है ना, आयत की आकृति कैसी बनती है ध्यान देना इधर, आयत की आकृति जो बनती है ना, ऐसा चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा के माप क्या हो बराबर हो, ऐसा चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज, ध्यान से सुनना परिभाषा, ऐसा चतुर्भुज, ये मैंने आयत की आकृति बना दी, देखो आयत है, आयत का मैंने चित्र बना दिया, ठीक है ना, ये आयत का क्या है मेरा चित्र। अब ध्यान देना दोस्तों मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, ये क्या बनाया मैंने, आयत का चित्र बनाया। तो इसमें ये कोण कितना होगा, ये भी 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 डिग्री का होगा और ये भी 90 डिग्री का होगा। तो इसको समझना ध्यान से, देखो क्या आप आयत की परिभाषा वीडियो को रोक के लिख लेना, मैं जब भी परिभाषा बोलता हूँ ना मैं बोर्ड पर नहीं लिखूंगा क्योंकि यहाँ पर समय बहुत लगता है, इसलिए क्या करना आप वीडियो को रोक रोक के लिख लेना, ठीक है। तो ध्यान देना इधर मैं आयत की परिभाषा बता रहा हूँ आपको, ऐसा चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा, ऐसा चतुर्भुज यानी चार भुजा वाली आकृति, ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा समान तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो आयत कहलाता है। आयत की परिभाषा क्लियर है, अब ध्यान देना। अब मैं आयत के अंदर पॉइंट लगा रहा हूँ, देखो बहुत सारे पॉइंट बनेंगे इसमें, पहला पॉइंट तो बन गया देखो आयत का चित्र, तो ये हो गया पहला पॉइंट, तो यही बन गया आयत का चित्र, ठीक है। दूसरा पॉइंट ध्यान रखना, आयत में आमने सामने की भुजा क्या होती है, सम्मुख होती है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो आयत लिखा मैंने, ये लिखा आयत है, आप चलो आयत को आप लिख लो, मैं इसको शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो पहला पॉइंट लिखना, पॉइंट नंबर पहला लिखना आप, पॉइंट नंबर पहला क्या है, आयत में सम्मुख भुजाएं समान होती है, अर्थात करके नीचे करके लिखना क्या, ए बी बराबर किसके हो जाएगी मेरी, सी डी, वह क्या हो जाएगा मेरा बी सी बराबर क्या हो जाएगा मेरा ए डी। तो मेरा पहला पॉइंट क्या है, आयत की सम्मुख भुजाएं, आयत की सम्मुख भुजा मतलब आमने सामने की भुजा, आयत की सम्मुख भुजाएं समान होती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट जो आता है, आयत का प्रत्येक कोण है, ध्यान रखना आयत जो है ना, यत में लिख देता हूँ इंपोर्टेंट पे, देखो आयत है, आयत का प्रत्येक, आयत का प्रत्येक कोण क्या होता है, ध्यान देना समकोण होता है, सम कोण होता है, समकोण होता है, दोस्तों समझ में आई ये चीज़ होता है। तो मैंने देखो पहला पॉइंट तो लिखा दिया कि आयत की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं, दूसरा पॉइंट मैंने क्या लिखा दिया, आयत में प्रत्येक कोण, देखो ये 90 डिग्री का बन रहा ना, तो प्रत्येक कोण क्या होता है 90 डिग्री होता है। और तीसरी शर्त बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना इसमें, ये तीसरी शर्त जो है ना आयत के लिए, क्या शर्त है इसकी इंपॉर्टेंट, इसकी इंपॉर्टेंट शर्त ये है कि आयत जो है ना, आयत के विकर्ण, अगर आयत के विकर्ण की तो आप ध्यान देना, ये आयत के विकर्ण हो गए, देखो ये आयत के विकर्ण जो है ना, ध्यान रखना ये विकर्ण क्या हो बराबर हो, ये आवश्यक शर्तें हैं। रीट में कई बार प्रश्न ऐसा आता था आवश्यक हैं, आवश्यक नहीं है, कुछ कहा नहीं जा सकता है, कुछ कहा जा सकता है,
फिर हवा धुआं कुछ नहीं लगता है, तो इसको भी समझ लेना आप। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे देखो, आयत में जो है ना, आयत की बात कर रहे हैं हम, आयत के विकर्ण जो होते हैं ना, आयत में लिख देते हैं, आयत में विकर्ण जो है ना, विकर्ण का मतलब समझा दिया मैंने पहले, ठीक ना। विकर्ण क्या होते हैं, विकर्ण विकर्ण समान हो या बराबर हो, ये भी बोल सकते हो, बराबर हो ये आवश्यक है, बराबर हो यह आवश्यक शर्त है, ध्यान रखना। कौन सी शर्त है, आवश्यक आवश्यक है, ध्यान देना, आवश्यक नहीं है, आवश्यक तो आपको ध्यान रखना, ऑप्शन में ऐसे ही मिलेंगे वहां पे। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, मैं यहाँ पे लिख दूं अर्थात, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, इसका अर्थ क्या निकला, इसका अर्थ ये निकला देखो, क्या आयत में विकर्ण कौन कौन से, ध्यान रखना, ए सी बराबर किसके होगा, बी डी के, ये निकल गया मतलब, ठीक है ना। और चौथा पॉइंट जो आता है इसमें ध्यान रखना, विकर्ण से संबंधित आता है, चौथा पॉइंट जो है वो ये कहता है कि आयत में विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, ध्यान देना, यहाँ पे केवल समद्विभाजन की बोल रहा, लंब समद्विभाजन की नहीं बोल रहा, तो मैं लिख दूं समद्विभाजन का मतलब होता है, तो यहाँ पे ध्यान देना, विकर्ण क्या होते हैं आयत में, आयत में मैं लिख रहा हूँ देखो, आयत में विकर्ण जो होते हैं ना, आयत में विकर्ण क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, आयत में विकर्ण क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, इसको समझना आप। मैंने लिखा देखो ये याद ना आपने, आयत में जो होते हैं ना विकर्ण क्या होते हैं, परस्पर समद्विभाजित करते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये बराबर होते हैं, कि मतलब यहाँ से ये जो है ना मेरा ओ ए बराबर होगा ओ सी के, तथा क्या आ जाएगा मेरा बी ओ बी बराबर किसके आ जाएगा, ओ डी के, ये होता है दोस्तों इसका मतलब, समद्विभाजित का मतलब समझ में आ गया, ये होता है समद्विभाजित का मतलब, बराबर पर मारता, क्लियर है यहाँ तक चीज। अब आगे देखना, इधर आयत का हमने ये देख लिया, ये सारे पॉइंट हमारे क्लियर है यहाँ तक। अब ध्यान देना आगे, आयत जो होता है ना, आयत यहाँ पे लिख दूं मैं पांचवा पॉइंट, आयत एक प्रकार का क्या होता है, आयत, आयत जो है ना एक प्रकार का क्या है, समांतर चतुर्भुज है, ये लिख रहा हूँ मैं, समांतर समांतर चतुर्भुज है आयत, ध्यान रखना होता है आयत समांतर चतुर्भुज होता है, क्यों, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज की शर्तों का पालन करता है, इसलिए, ठीक है, चीज क्लियर। अब ध्यान देना एक चीज और आ रही है यहाँ पे, अगला पॉइंट आ रहा है यहाँ पे कि हमने आयत को ये लिख दिया, ये लिख दिया, अब जो अगली चीज आ रही है ना वो क्या है, ध्यान देना, आयत में सम्मुख कोण क्या होते हैं, आयत है उसमें सम्मुख कोण क्या होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर, ये तो आपको ऐसे दिख रहा होगा कि सभी 90 है, तो सम्मुख कोण का मतलब होता है कोण ए का सम्मुख है कोण कौन सी, ठीक है ना, और ये 90 डिग्री का है, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ये पांचों पॉइंट समझ में आ गए। अब ध्यान देना अगला पॉइंट क्या है, अब अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अगला पॉइंट, अगला पॉइंट जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगला पॉइंट सुन लेना, क्या है अगला पॉइंट, कि आयत है, आयत की भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने पर बना चतुर्भुज, आयत की भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने पर बना चतुर्भुज जो होता है ना क्या होता है, समचतुर्भुज होता है। तो इधर ध्यान देना मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, देखो ये मैंने एक आयत बना दिया है, ये मैंने क्या बना दिया दोस्तों, एक आयत बना दिया है, ये आयत का नाम मेरा ए बी सी और ये डी हो गया, इसका मध्य बिंदु ये है, इसका मध्य बिंदु ये है और इसका मध्य बिंदु ये है इसका, ध्यान रखना ये बोल रहा है कि मध्य बिंदु को मिलाने पर, ये मध्य बिंदु को मैंने मिला दिया, देखो ये मध्य बिंदु को मिलाया और मध्य बिंदु को मिलाने पर बनी आकृति, ध्यान देना इसका नाम रख देता हूँ मैं पी क्यू आर एस, तो ध्यान देना आयत तो था मेरे पास कौन, आयत था मेरे पास ए बी सी डी, तो मेरे पास आयत था और इनके भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने पर ये क्या बन गया, समचतुर्भुज बन गया, समचतुर्भुज बन गया, समचतुर्भुज का नाम क्या है मेरा, समचतुर्भुज का नाम है मेरा PQRS। तो दोस्तों ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को आप क्या करोगे याद रख लोगे, एक तो इसमें ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, विकर्ण क्या करते हैं लंब समद्विभाजित, पहला तो ये, तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट देखो आवश्यक है कौन ये वाला, फिर ये क्या करते हैं समद्विभाजित करते हैं, फिर इसमें अगला क्या आ जाएगा, इसमें ये अगला पॉइंट, ये कौन सा पॉइंट है हमारा देखो, छठा पॉइंट है, ये छठा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, छठा पॉइंट क्या है, हिंदी में लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए, कि आयत की भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने पर बना चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। तो ये पॉइंट समझ में आए नहीं आए दोस्तों, आपको समझ में आ गए तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों आपने उसका तो स्क्रीनशॉट ले लिया, अब ध्यान देना यहाँ पे मैं इसमें थोड़ा देखो, इसमें मैं क्या बता रहा हूँ आपको, इससे संबंधित एक अगली चीज आती है कौन, ये हमारा वर्ग, देखो वर्ग भी आयत जैसे गुण रखता है, इसलिए मैंने इसको साथ में बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसकी मैं क्या करूँ देखो, सबसे पहले तो इसकी आकृति बना दूँ मैं, सबसे पहले इसकी आकृति बना दूँ ना, तो इसकी आकृति देखो ऐसे बन जाएगी यहाँ पे, इधर ध्यान देना दोस्तों, इसकी आकृति बना रहा हूँ मैं, ध्यान देना वर्ग में क्या होता है, वर्ग में सभी भुजाओं का माप क्या होता है, सभी कितनी, वर्ग में चारों भुजाओं का माप क्या होता है, समान होता है।
तो यहाँ पे ध्यान रखना, ये मैंने एक वर्ग बना दिया और वर्ग में ये कोण 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 डिग्री का और ये भी 90 डिग्री का। फिर ध्यान देना, मैंने सम्मुख शीर्ष को मैंने मिला दिया और इसमें मैंने क्या किया, सम्मुख शीर्ष को मैंने मिला दिया। तो अब ध्यान देना, इधर सम्मुख शीर्ष को मैंने मिलाया ना, तो ये कोण कितना होगा यहाँ पे 90 डिग्री का, और ये चारों कोण कितने होगा यहाँ पे, कोण बने 90 डिग्री होगा, ये वो बिंदु मेरा। तो अब ध्यान देना वर्ग में क्या होता है, देखो वर्ग में, वर्ग की परिभाषा सुनना, ऐसा चतुर्भुज जिसमें चारों भुजाओं का माप बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, उसे वर्ग कहते हैं। समझ में आ गई चीज, ठीक है। तो इस परिभाषा को लिख लेना। अब ध्यान रखना, मैं भी बोल रहा हूँ कि आयत में सभी भुजा का माप क्या होता है, आयत में सभी भुजा का माप क्या होता है, बराबर नहीं होता है। ध्यान देना क्या होता है, आमने सामने की भुजा का माप बराबर होता है, लेकिन वर्ग में सभी भुजा का क्या होता है, समान माप होता है। तो ये वर्ग लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, ध्यान देना ये क्या हो जाएगा, देखो मेरा ये हो जाएगा ए बी इसके बराबर है, ये इसके बराबर। तो ये पहला पॉइंट क्या लिखोगे, वर्ग में सभी भुजाओं का माप समान होता है, ठीक है। दूसरा लिखोगे, क्या लिखोगे, वर्ग का प्रत्येक कोण समकोण होता है, वर्ग है, वर्ग का प्रत्येक कोण कितना होता है, समकोण होता है, लिख लोगे। फिर ध्यान देना वर्ग में, ध्यान देना वर्ग में, यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, वर्ग वर्ग में विकर्ण समान हो, ये आवश्यक है, ये सर्व भी में आवश्यक है, अर्थात क्या है, ये भी बराबर होने चाहिए। और ध्यान देना वर्ग जो होता है ना, वर्ग में विकर्ण क्या करते हैं, यहाँ पे लंब समद्विबाजित विभाजित करते हैं, ये चीज जोड़नी है यहाँ पे, ध्यान बहुत इंपॉर्टेंट शर्त है, ये कई बार प्रश्न आया हुआ है। वर्ग जो है ना, वर्ग में विकर्ण लंब समद्विबाजित करते हैं, ठीक है ना, लंब समद्विबाजित करते हैं, लंब समद्विबाजित का मतलब ये तो हो जाएगी, एक शर्त और लग जाएगी, क्या कि इसमें आ जाएगी, देखो बी जो है ना मेरा, यहाँ पे बी डी लंब आ जाएगा किसके, ए सी के, ये चीज और नहीं जुड़ जाएगी इसमें। फिर आगे देखना, ध्यान रखना यहाँ पे जो वर्ग है ना, वर्ग क्या होता है, देखो वर्ग लिख दूं मैं यहाँ पे, वर्ग जो होता है ना, वर्ग समांतर चतुर्भुज होता है, बिल्कुल होता है, वर्ग सम चतुर्भुज होता है, बिल्कुल होता है, ये सम चतुर्भुज भी लिख दूं मैं, सम चतुर्भुज भी लिख देता हूँ, ठीक है। और वर्ग आयत होता है, तो हाँ बिल्कुल, वर्ग क्या होता है, आयत होता है। दोस्तों समझ में आ रही है चीज़, तो देखो वर्ग के लिए ये चीज़ होता है, और इसमें भी सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब ध्यान देना अगली चीज़ जो आ रही है ना, अगली चीज़ क्या है, यहाँ पे एक वर्ग बना दूं मैं, इधर ध्यान देना वर्ग बना रहा हूँ मैं, ये क्या बना रहा हूँ मैं यहाँ पे, एक वर्ग बना रहा हूँ, ये मैंने वर्ग बना दिया। ध्यान देना वर्ग की भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने पर, वापस सुन लेना एक बार, वर्ग है, वर्ग की भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने पर बनी आकृति जो होती है ना, वो भी क्या होती है, वो वर्ग ही होती है। खुद समझ में आ गई दोस्तों चीज, नहीं आई हो तो एक बार और समझा दूं मैं, ये हो गया पी क्यू आर एस ले लो ना, तो यहाँ पे ध्यान रखना, ये तो मेरे पास क्या था, ये तो मेरे पास वर्ग हो गया, वर्ग का नाम क्या है मेरा, ए बी सी डी है, ये क्या हो जाएगा मेरा, ये ध्यान रखना ये भी वर्ग ही होगा, वर्ग हो जाएगा। तो समझ में आ रही है दोस्तों, ये सर अलग थी। तो अब देखो वर्ग के बारे में क्या क्या बताया, एक बार वापस बता दूं मैं, वर्ग जो होता है ना, पहला पॉइंट है कि वर्ग में सभी चारों भुजाओं का माप क्या होता है, समान होता है, पहली बात तो बताई मैंने। दूसरी बताई कि वर्ग का प्रत्येक कोण कितना होता है, समकोण होता है। फिर तीसरी बात बताई मैंने वर्ग में विकर्ण क्या होते हैं, विकर्ण का समान होना आवश्यक है। फिर मैंने आगे बताई विकर्ण लंब समद्विभाजित, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, उसमें देखो क्या थी, आयत में लंब समद्विभाजित थी, इसमें क्या हो गई, इसमें लंब समद्विभाजित करते हैं, या ये बराबर होंगे विकर्ण, और ये लंब का चिन्ह लगा दिया मैंने। फिर आगे जाना, वर्ग जो होता है ना, समांतर चतुर्भुज होता है, समचतुर्भुज होता है, आयत होता है। फिर मैंने लगा दिया, देखो सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। फिर मैंने बताया कि वर्ग के भुजा के मध्य बिंदु को आप मिलाओगे और बनेगा चतुर्भुज, चतुर्भुज क्या कहलाएगा, वो वर्ग ही होगा, ठीक है ना, वो वर्ग ही कहलाएगा। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, फिर एक अभ्यास प्रश्न दे देता हूँ मैं आपको, और फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। दोस्तों ध्यान दे, अभ्यास प्रश्न अब हम क्या करेंगे, रोज जितना टॉपिक पढ़ेंगे ना, उससे संबंधित एक या दो अभ्यास प्रश्न जरूर करेंगे। तो इससे क्या कि हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा कि हाँ हम जो क्या पढ़ रहे हैं वो हमें याद हो रहा है। तो इधर ध्यान देना, अभ्यास प्रश्न है, देखो ये बोल रहा है कि निम्न में से असत्य कथन है। दोस्तों ध्यान देना, सत्य असत्य में बहुत से लोगों को क्या पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई उनकी, सत्य और असत्य में। क्यों? क्योंकि वो सत्य को असत्य पढ़ लेते हैं, असत्य को सत्य पढ़ लेते हैं, इससे उनकी नौकरी नहीं लगती, और नौकरी नहीं लगती तो वो क्या पूरी जिंदगी पर इधर उधर बेरोजगार बन के घूमते रहते हैं। तो ये ध्यान देना, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना और प्रश्न को ऑप्शन को ध्यान से देखना, ये स्टूडेंट का सबसे बड़ा गुण होना चाहिए। तो इधर ध्यान देना, ये बोल रहे, देखो आयत के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, ठीक है, करते हैं, सत्य है ये तो, मतलब हमें तो असत्य छांटना है, ये तो सही है, हमें तो मतलब ही नहीं इससे। वर्ग के विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजित होते हैं, बिल्कुल सही है, ये भी हमें तो गलत देखना है। आयत व वर्ग में विकर्ण आपस में समान हो, ये आवश्यक है, बिल्कुल आवश्यक है, ये भी देखो सही है। अब ये बोल रहा था आयत व वर्ग में सम्मुख कोण बराबर नहीं होते हैं, नहीं 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 नहीं, ये गलत है, अगर ये नहीं नहीं होता ना तो बराबर होते हैं, हाँ बराबर होते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी, यदि क्लास अच्छी लगी तो क्या करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ
शेयर करो। धन्यवाद दोस्तों, जय भारत माता, मिलते हैं अगले वीडियो में। भावी अध्यापकों नमस्कार, मैं जगदीश धाकड़ फिर आपके सामने हाजिर हूँ। दोस्तों ध्यान दे इधर, हमने कल क्या पढ़ लिया था, चतुर्भुज की परिभाषा चित्र देख लिया था, और आज हम क्या पढ़ रहे हैं, कल हमने चतुर्भुज के प्रकार में आयत और वर्ग के बारे में बात कर ली थी। आज उससे आगे हम समांतर चतुर्भुज की बात करते हैं। हम चतुर्भुज पढ़ रहे हैं, ध्यान देना इधर, ये रीट के लिए पढ़ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। रीट क्या, सभी ओल्ड टीचर जितने भी शिक्षक की भर्तियाँ होती है वो सब काम, सब में ये काम आने वाला है, तो इधर ध्यान देना। भावी अध्यापकों ध्यान दो इधर, क्या बोल रहा हूँ मैं, हमने आयत पढ़ लिया, जिसने वो पुराना वीडियो नहीं देखा, पहले वाला, इससे पहले वाला, वो देख ले और उसके बाद ये देखे, ताकि उसको अच्छे से समझ में आ सके। तो इधर ध्यान से देखे, मैं बात किसकी कर रहा हूँ, समांतर चतुर्भुज की। समांतर चतुर्भुज का पहले चित्र देखते हैं, देखो समांतर चतुर्भुज का चित्र की बात कर लेते हैं ना हम। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ये दो बिंदु लगाए, देखो दो बिंदु लगाए, और मैंने क्या किया, एक यहाँ पे मैंने एक रेखा ये खींची, ये देखो एक रेखा खींच दी मैंने, ये चलो यहाँ तक ही रहने देता हूँ मैं, और एक रेखा मैंने ये खींच दी। अब ध्यान देना दोस्तों, मैंने इसको क्या किया, इससे मिला दिया, और इसको मैंने क्या किया, यहाँ तक पे खींच दिया, ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रही होगी आपको। इसको मैंने जो नाम दे दिया ना, क्या दे दिया, ए बिंदु, इसको मैंने बी बिंदु दे दिया, इसको सी दे दिया, और इसको क्या दे दिया, डी बिंदु दे दिया। तो ये मैंने जो आकृति बनाई ना, ये आकृति होती है समांतर चतुर्भुज की, समझ में आ रही चीज़, जैसे आयत की आकृति होती है, बेलन की आकृति होती है, उसी प्रकार समांतर चतुर्भुज की अगर आकृति की बात करते हैं, तो वो आकृति कौन सी है, ये वाली आकृति, ठीक है यहाँ तक। अब ध्यान देना, इसमें क्या होता है कि ये मेरे पास जो है ना, ये कोण ए है, ये कोण बी है मेरे पास, ये कोण सी है, और ये कोण क्या है, डी है, यहाँ तक समझ में आई चीज़। तो चलो पहले एक एक की बात करते हैं। तो देखो ये मैंने बनाया ना, ये क्या है मेरे पास, ये भुजा और ये भुजा जो है, यानी ये रेखा और ये रेखा क्या एक दूसरे के समांतर है, देखो बिल्कुल, ये अनंत में जाएगी तब भी कभी भी नहीं मिलेगी, तो ये एक दूसरे के समांतर नहीं है क्या। और ये देखो, इसको अगर मैं ऐसा करता हूँ तो एक दूसरे के सम्मुख आ जाएगी, देखो ये इसके सामने, सम्मुख का मतलब होता है आमने सामने, तो मैं बोल दूँ कि ये रेखा इसके सम्मुख है और ये रेखा इसके सम्मुख है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो इस चित्र से देखो हम इसकी क्या बनाते हैं, परिभाषा बनाते हैं। तो ये समांतर चतुर्भुज की परिभाषा क्या बन जाएगी, इधर ध्यान देना, वह चतुर्भुज, चतुर्भुज का मतलब क्या हुआ, इसमें चार भुजाएं, वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, उससे क्या बोलते हैं, हम समांतर चतुर्भुज बोलते हैं। तो एक बार परिभाषा वापस सुन लेना, परिभाषा क्या है, वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर होती है, उससे क्या कहेंगे, हम समांतर चतुर्भुज कहेंगे। तो अच्छा पहला पॉइंट लिख दूं मैं इसमें, पहला पॉइंट क्या जाएगा मेरे को, मेरा देखो ये ए बी, ध्यान रखना ये ए बी जो भुजा है ना, यानी ए बी जो भुजा है ना मेरी, या ए बी रेखाखंड भी बोल सकते हो, ए बी रेखाखंड के समांतर कौन सी रेखा है, क्या बी सी है, नहीं बी सी नहीं है, तो क्या सी डी है, बिल्कुल, कौन सी है, सी डी। तो ध्यान रखना समांतर का चिन्ह कौन सा होता है, देखो बराबर का चिन्ह लगा दो ना, उसको थोड़ा घुमा दो, मतलब कि बिल्कुल घुमा दो उसको, तो ये बराबर का चिन्ह जो लगाते हो ना आप, उसको घुमाया तो मैंने ऐसा चिन्ह बन जाएगा, देखो इधर ये ऐसा चिन्ह बन जाएगा, और ये चिन्ह किसके, देखो कि ये हो जाएगा सी डी के, ये समांतर है। और क्या है इसमें, और ध्यान देना, देखो इसकी तो बता दी हमने, ये इसके समांतर है, अच्छा ये भी तो इसके समांतर है, बिल्कुल समांतर है, तो इसको भी लिखेंगे। और क्या आ जाएगा, देखो इसमें आ जाएगा बी सी जो आ जाएगा ना मेरा, ये बी सी समांतर हो जाएगा किसके, ए डी के, यहाँ तक क्लियर हुई ये परिभाषा, ये परिभाषा लिखी मैंने, ठीक है। फिर आगे ध्यान देना इसमें, और ये भुजाएं क्या होती हैं, दूसरा पॉइंट आ जाएगा, ध्यान रखना ये भुजाएं क्या होती हैं, ये समान माप की होती है, यानी कि ए बी जो होगा ना ये किसके बराबर होगा, सी डी के, और क्या हो जाएगा मेरा, और हो जाएगा बी सी जो होगा ना ये किसके बराबर होगा, ए डी के, यहाँ तक चीज़ क्लियर है क्या, बिल्कुल क्लियर होगी। अब मैंने कल आपको बताया था कि सम्मुख कोण जो है ना, सम्मुख कोण, सम्मुख का मतलब आमने सामने के कोण, आमने सामने के कोण को मिलाने वाले रेखाखंड को हम विकर्ण बोल रहे थे। तो ध्यान देना एक का सम्मुख कोण है सी है, तो मैंने क्या किया, एक को ए का जो ए है ना, इसको मैंने किससे मिला दिया, देखो इससे मिला दिया, ठीक है ना, समझ में आ रही नहीं आ रही ये चीज़, देखो ये चीज़ समझ में आ रही नहीं आ रही, क्लियर है ना। तो इधर ध्यान देना, ये मैंने क्या, तो अब मैं इसमें लिख सकता हूँ, देखो क्या अगला पॉइंट जो आ रहा है ना मेरा, तीसरा पॉइंट, ये क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज है, यहाँ पे लिख रहा हूँ देखो समांतर चतुर्भुज, ये लिखा मैंने समांतर चतुर्भुज जो है ना, समांतर चतुर्भुज में विकर्ण क्या करता है, देखो समांतर चतुर्भुज में विकर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट ये, ध्यान देना समांतर चतुर्भुज में मैंने विकर्ण खींचा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समांतर चतुर्भुज में विकर्ण, उससे उससे किससे, समांतर चतुर्भुज को, उससे उससे ध्यान देना इधर, उससे दो सर्वांग सम, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, दो सर्वांग सम
त्रिभुज में बांट देता है। यही देखो समझ में आई नहीं आई, पहला त्रिभुज तो ये है, दूसरा त्रिभुज ये है मेरा, बस इतनी सी चीज़ समझाना था। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट क्या है, समांतर चतुर्भुज में विकर्ण, समांतर चतुर्भुज में एक विकर्ण विकर्ण जो होता है ना वो उसको कितने दो सर्वांगसम त्रिभुज में विभाजित कर देता है, यानी बांट देता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख लेना दो सर्वांगसम त्रिभुजों में बांट देता है, यहाँ पे त्रिभुज लगा दूं मैं, दो सर्वांगसम त्रिभुजों में बांट देता है, में बांट देता है, ठीक है। अर्थात करके आप लिख सकते हो क्या कि त्रिभुज त्रिभुज जो है ना ए बी सी सर्वांगसम है किसके, त्रिभुज ए सी डी के, या ए डी सी ये भी लिख सकते हो आप, क्या ए डी सी ये सही रहेगा, ठीक है। ये चीज समझ में नहीं आ रही नहीं आ रही, ये समूह कौन बराबर हो जाएंगे, स्थिति पे समूह की ये समान हो जाएगी इनकी, तो ये चीज समझ में आई नहीं, ये वाला पॉइंट ठीक है, ये समझ में आया होगा। अब आगे जाने ना, फिर वहां पर देखो ये और ये भी तो समूह ये क्या, तो इसको भी मिला देते हैं हम, देखो ये मान लो वो बिंदु पर मिलते हैं। तो अभी आगे ध्यान देना इधर, मैं आगे कौन सा पॉइंट लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तीसरा पॉइंट को आप नोट कर लेना, क्या है, समांतर चतुर्भुज में एक विकर्ण उससे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है, ठीक है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आगे ध्यान देना इधर, फिर आगे क्या आ जाएगा, तो इसमें अगली शर्त जो आ रही ना चौथी शर्त, वो ये है कि विकर्ण जो है ना बराबर वो आवश्यक नहीं है, मतलब क्या हुआ कि एसी जो है ना ये बी डी के बराबर हो ये जरूरी नहीं है, उसमें ध्यान रखना हमने आयत में पढ़ा था ना, आयत में और वर्ग में, कि विकर्ण क्या होते हैं बराबर होना आवश्यक है, ये ध्यान देना दोस्तों, ये जो प्रश्न आता है ना आवश्यक है आवश्यक नहीं है इसमें हमें कन्फ्यूज कर देता है, तो इस चीज़ पर आप ज़्यादा फोकस करना कि बराबर होना आवश्यक नहीं है, आवश्यक नहीं है, उनमें हम दोनों ने क्या आयत और वर्ग में हमने बोला था कि आवश्यक होना ही चाहिए, आवश्यक होना जरूरी है मतलब, और इनमें जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। और फिर अगला पांचवा पॉइंट जो आता है ना वो ये कहता है कि, पांचवा पॉइंट क्या कहता है, विकर्ण जो है ना ये विकर्ण, ये लिख रहा हूँ देखो मैं, विकर्ण पर विकर्ण क्या करते हैं, परस्पर संधिविभाजित करते हैं, ये आप पॉइंट लिख लेना, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर संधिविभाजित करते हैं। अच्छा इसका मतलब क्या हुआ, परस्पर संधिविभाजित का मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो विकर्ण है ना ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, समझ में आया। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ विकर्ण क्या होते हैं, विकर्ण जो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, विकर्ण संधिविभाजित करते, देखो ये विकर्ण लिख दिया मैंने, संधिविभाजित करते हैं। अब जाना ना संधिविभाजित का मतलब क्या हुआ, संधिविभाजित का मतलब ये हुआ कि जो मेरा है ना ए ओ ए ये किसके बराबर हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा ओ सी के, और क्या हो जाएगा, और हो जाएगा मेरा ओ बी जो है ना ओ बी ये किसके बराबर हो जाएगा मेरा ओ डी के, मतलब विकर्ण विकर्ण परस्पर संधिविभाजित करते हैं। ये चीज़ क्लियर हुई आपके, अब आगे देखना इधर, यहाँ तक के सारे पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। अब और आगे इसमें क्या पॉइंट है, ये विकर्ण का बराबर होना ये मैंने बता दिया आपको, और अब ध्यान देना, अब जो इसमें अगला पॉइंट जो आ रहा है ना मेरा, अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट क्या कहता है, ये पॉइंट ये कहता है कि ये जो विकर्ण, ये पॉइंट आप पहले ये समझ लो, ये एक मैं क्या बना रहा हूँ, ये मैंने बनाया एक समांतर चतुर्भुज बना दिया, मान लो ये मैंने क्या बना दिया, एक समांतर चतुर्भुज बना दिया। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये समांतर चतुर्भुज बनाया, इसका नाम क्या है मेरा, ए बी सी डी ए, ठीक है नाम है इसका। अब इसकी भुजा है, इसका मध्य बिंदु ये है, इसकी भुजा है, ये मध्य बिंदु है, इस भुजा का मध्य बिंदु ये है, इस भुजा का, मतलब कि समांतर चतुर्भुज की भुजा का मध्य बिंदु ले लिया मैंने ये मध्य बिंदु ले लिया ना, तो अब ध्यान देना इसका नाम रख दूं मैं पी क्यू आर और एस। तो ध्यान देना इस भुजा से मैंने इसको मिलाया और इससे मैंने इसको मिलाया और इससे मैंने इसको मिलाया और इससे मैंने इसको मिलाया। तो ध्यान रखना समांतर चतुर्भुज की भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने पर बना चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। चीज क्लियर है, लिख लेना आप, ये मैंने लिखा कि समांतर चतुर्भुज की भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने पर बना चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। और इसमें पूछेगा क्या हमें, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इनके क्षेत्रफल बराबर होते हैं। मान लो मैं आपका एक को एक का क्षेत्रफल दे देगा, जैसे एरिया ए बी सी डी बराबर एरिया पी क्यू आर एस, समझ में आई दोस्तों, ये चीज क्षेत्रफल क्या होते हैं, इनके बराबर होते हैं। तो प्रश्न आ सकता है कि एक समांतर चतुर्भुज है, उसकी भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने पर बना चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधा होता है, चार गुना होता है, दो गुना होता है, बराबर होता है, तो ये बराबर वाला ऑप्शन लगाना है। समझ में आ रही ना चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। फिर आगे जाने ना इधर, ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। अब जो इसमें अगला पॉइंट जो है ना, उस पॉइंट को आप ऐसा करो, इसको नोट कर ही लो इसको, ठीक है ना, कि समांतर चतुर्भुज की भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने पर बना चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है और क्षेत्रफल में दोनों बराबर होते हैं। ये चीज़ क्लियर। फिर अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है इसका, ध्यान देना इधर, इसका अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है ना, वो पॉइंट क्या कहता है,
ये मैंने बनाया, देखो समांतर चतुर्भुज बना रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये मैंने क्या बनाया देखो, एक समांतर चतुर्भुज बना दिया, ये मैंने क्या बना दिया साथियों, समांतर चतुर्भुज, ठीक है ना। थोड़ा लग नहीं रहा, इसको लगाते हैं देखो, तो इसको थोड़ा ऐसा कर देता हूँ मैं। अब बताओ, अब तो लग रहा है ना समांतर चतुर्भुज, तो इसका मैं मान लो नाम रख दूँ ए, और यहाँ पे मैं क्या करूँ, एक एक काम करते हैं दोस्तों, इसको थोड़ा छोटा बनाते हैं ताकि क्या हो हमारा एक अगला वो सही सेट हो जाए। तो दोस्तों ध्यान देना, मैं क्या कर रहा हूँ, एक समांतर चतुर्भुज बना रहा हूँ मैं, ये मैंने क्या कर दिया, एक समांतर चतुर्भुज बना दिया, ये समांतर चतुर्भुज। अब मैं क्या कर रहा हूँ ध्यान देना, एक और मैं क्या कर रहा हूँ इसमें, ये भी मैं समांतर चतुर्भुज बना रहा हूँ इसी में, यहाँ पे बना दिया देखो मैंने, ये इसका क्या आधार एक ही है इसका, तो इसको थोड़ा टेढ़ा कर दूँ मैं, ध्यान देना यहाँ पे, इसको मैं क्या करूँ ऐसा कर देता हूँ, और इसको मैं यहाँ पे मिला देता हूँ देखो, ये तो इनका आधार एक ही है, इसका नाम रख दूँ देखो यहाँ पे ए बी सी और डी रख दूँ, नहीं पहले वाला का तो डी रख देता हूँ मैं देखो, ए बी सी, इसका मैं ए बी सी और ये डी रख देता हूँ, इसका मैं P और Q रख दूँ। तो अब ध्यान देना दोस्तों, इसमें क्या है कि देखो ये जो नीचे वाला है ना, तो इसका होता है आधार, और ये होता है इसके ये ऊपर वाली भुजा, तो ये और ये इसको बोलते हैं समांतर रेखा युग्म। तो प्रश्न कैसे आएगा, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा युग्म के मध्य बने दो चतुर्भुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं, ठीक है, वापस ये चीज़ भी ध्यान रखना है इससे। तो क्या आ जाएगा ए बी सी डी, क्षेत्रफल किसके आ जाएगा, ये हो जाएगा मेरा, ध्यान रखना ए बी पी क्यू के, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही, समझ में आ रही होगी तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों एक बार। तो दोस्तों ध्यान देना इधर, मैं क्या बोल रहा हूँ, अब जो है ना ये समझ में आ गया होगा, अगला पॉइंट क्या आ रहा है, देखो अगला पॉइंट जो है ना हमारा वो ये है कि समांतर चतुर्भुज जो है ना, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, इसमें समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण जो होते हैं ना, सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ये लिख रहा हूँ मैं देखो, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो ध्यान देना आप, इसका मतलब क्या होगा, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसका मतलब होगा देखो कोण ए के सम्मुख कोण है कोण सी, देखो ये कोण ए ये रहा सी ये रहा, फिर ये क्या बोल रहा है देखो कोण बी के सम्मुख कोण है कोण डी, ये भी हो जाएंगे, ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। फिर एक चीज़ और है इसमें ध्यान देना, इधर अगला पॉइंट क्या आ जाएगा इसमें, अगला पॉइंट ये आ जाएगा कि ये जो है ना, ये यहाँ पे ध्यान देना, ये विकर्ण की बात कर रहा है, ये विकर्ण खींचा मैंने, तो ये विकर्ण मान लो मेरे पास कोण ए जो है ना, यहाँ पे बता रहा हूँ मैं देखो, कोण ए मेरे पास मान लो 50 डिग्री का है, तो मैंने जो विकर्ण खींचा ना, तो ये विकर्ण जरूरी नहीं कि उसको 25-25 में बांट देगा, समझ में आ रही ना। तो इस पॉइंट को कैसे लिखोगे कि समांतर चतुर्भुज में विकर्ण अंतः कोण को समद्विभाजित नहीं करता है, तो यहाँ पे लिख दूँ मैं, समांतर चतुर्भुज में विकर्ण जो है ना, विकर्ण अंतः कोण लिख रहा हूँ देखो, अंतः कोण को समद्विभाजित नहीं करते हैं, समझ में आ गया, देखो नहीं आ रहा है यहाँ पे, कई बार प्रश्न आ जाएगा कि समांतर चतुर्भुज में विकर्ण अंतः कोण को समद्विभाजित करते हैं, तो नहीं करते हैं। अब ध्यान देना एक चीज जो हो रही बची हुई है, मैं यहाँ पे बता दूँ आपको कि एक ही रेखा पर बने कोण, ध्यान रखना एक ही भुजा पर बने अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, तो ये भी समझ लेना आप, देखो ये मेरी क्या है एक भुजा है, ये मेरी क्या है, यहाँ पे अगला पॉइंट लिखना एक ही, ध्यान रखना अगला पॉइंट बोल रहा हूँ मैं, एक ही रेखा पर बने अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, देखो ये मेरी एक रेखा है कि नहीं है, ये एक रेखा है, तो इस पर कोण कौन कौन सी बन रही है, तो ये कोण बन रहा है एक, ये कोण बन रहा है, तो इसका मतलब कोण ए प्लस कोण बी बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। फिर दूसरा क्या जाएगा, देखो आप बोलोगे कि ये भी तो एक ही रेखा है, तो बिल्कुल एक ही रेखा है, तो यहाँ पे मैं लिख दूँ कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री, आप ऐसे आगे भी कर सकते हो। तो दोस्तों ध्यान देना, इसमें मैंने बताया आपको कि ये जो चतुर्भुज बन रहा है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि समांतर चतुर्भुज की भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने पर बना चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है, तथा उनका क्षेत्रफल, अब आप खुद सोचो थोड़ी यहाँ पे मेरे क्या लिखने में थोड़ी मिसप्रिंट हो गई, यहाँ पे क्षेत्रफल जो होगा ना 1/2 आधा होगा ना, क्योंकि देखो इतना भाग इतना ये भाग तो खाली है ना, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे आप, एरिया पी क्यू आर एस, ठीक है दोस्तों। तो आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, समांतर चतुर्भुज मैंने पूरा कर लिया, और प्रश्न आएगा रेट में तो इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। तो दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब आगे ध्यान देना, देखो एक इसी से संबंधित एक चीज़ है, उसी का मैं नाम बता रहा हूँ आपको, इसका स्क्रीनशॉट तो आपने ले लिया यानी आपके नोट्स के रूप में सेव हो गया, अब ध्यान देना इसी से आगे एक चीज़ आती है, सम चतुर्भुज, ये सम चतुर्भुज क्या होता है दोस्तों, ध्यान देना इसकी आकृति चेंज करिए, देखो सम चतुर्भुज का मतलब होता है, सम का मतलब क्या होता है, समान,
चतुर्भुज का मतलब होता है चार भुजा, यानी चारों भुजा जिसकी समान है उसे हम समचतुर्भुज बोल देंगे। तो ध्यान देना समचतुर्भुज का मतलब ये हो जाएगा, मैं देखो यहाँ पे इधर ध्यान देना, यहाँ पे समचतुर्भुज के मतलब इनको विकर्ण को मैं साफ कर ही दूँ, ये विकर्ण हो जाएगा मेरा, विकर्ण को मैंने साफ कर दिया। अब जो मैं आकृति बना रहा हूँ ना, देखो इसको मैंने मिला दिया ये, देखो मान लेते हैं ये चारों भुजा थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी है लेकिन क्या है बराबर है, समझ में आ रही है, ए बी हो गया मेरा, ये सी हो गया, ये देखो ये है, ये कोण ये है। तो दोस्तों मान रहे हैं कि ये आकृति क्या है, ये इनकी चारों भुजा क्या है समान माप की है, तो ये समचतुर्भुज होता है, समझ में आई ना। तो समचतुर्भुज की परिभाषा बताऊं, वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर हो तथा चारों भुजाओं का माप समान हो, ठीक है परिभाषा लिख लेना। अब ध्यान देना ये जो हो गया ना मेरा, ये कोण कौन सा है, कोण ए, ये कोण डी है। अब ध्यान देना इधर, तो देखो इसमें कोई चेंज करने की जरूरत है क्या, ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है, चेंज करने की जरूरत ही नहीं। चारों भुजाओं का माप क्या होता है, बराबर होता है। तो चारों भुजाओं का माप क्या कर दिया, देखो ए बी बी सी, या देखो ए बी बी सी और क्या आ जाएगा सी डी और ए डी, तो ये चारों भुजाओं का माप क्या हो गया, बराबर हो गया। फिर आगे ध्यान देना समांतर चतुर, ये समांतर चतुर्भुज है तो यहाँ समचतुर्भुज आ जाएगा, कि समचतुर्भुज क्या करते हैं, समचतुर्भुज में विकर्ण उससे दो सर्वांग सम त्रिभुज बांटेगा, बिल्कुल बांटेगा। देखो ये विकर्ण बना दूं मैं यहाँ पे, ये लो बना दिया विकर्ण, और ये ध्यान रखना विकर्ण बिल्कुल सीधा होता है, यानी कि ये कोण को भी अंत कोण को क्या करता है बराबर भागों में मारता है, जैसे कि मैं बताया था ना यहाँ पे 50 का तो 25 में बांट देगा, ये आगे पॉइंट लिखवाऊंगा मैं अभी। तो ये चीज़ समझ में आ गई क्या, यह भी समझ में आ गई, यहाँ पे विकर्ण का बराबर होना आवश्यक नहीं है, ठीक है ना। तो इधर ध्यान देना, ये देखो विकर्ण जो है ना इनका बराबर होना आवश्यक नहीं है, इस पर भी बात करेंगे, पहले इसको समझ लो आप। यहाँ पे बोल रहा है विकर्ण समद्विभाजित की जगह क्या जाएगा, लंब समद्विभाजित करते हैं, लंब समद्विभाजित करते हैं विकर्ण। देखो क्या पॉइंट आएगा आगे, कि समचतुर्भुज के विकर्ण लंब समद्विभाजित करते हैं, और इसमें एक शर्त और क्या जुड़ जाएगी, देखो ए सी जो है ना मेरा, ए सी लंब है किसके, बी डी के। समझ में आ रही नहीं आ रही ये चीज़ें, बताओ आ रही ना, बिल्कुल नहीं आ रही हो तो भी इधर ध्यान देना, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इनको ध्यान से समझना। समझ में आ रही नहीं आ रही दोस्तों ये चीज़ें, कि समचतुर्भुज में क्या क्या होता है, समचतुर्भुज में विकर्ण जो होते हैं ना ये क्या करते हैं। अब ध्यान देना इसमें भी क्या है, इसके बारे में जो मैं बता रहा हूँ ना आपको, देखो विकर्ण जो है ना लंब समद्विभाजित होते हैं, लंब समद्विभाजित का मतलब हुआ कि ये इस पर 90 डिग्री का कोण बना रहा है, ये इस पर और ये इस पर 90 डिग्री का कोण बना रहा है, इसे हम लंब समद्विभाजित बोलते हैं। ये मैंने देखो ये लिख दिया मैंने क्या, ए सी किसके लंबे है, इसके लंब है, ठीक है। फिर जाना ये बराबर भी होते हैं, लंब का तो मतलब लंब वाली तो ये ट्रिक हो गई और समद्विभाजित का मतलब ये वाली ट्रिक हो गई, ठीक है ना, ये इसका फॉर्मूला लिख रहे हैं हम बेसिक। अब ध्यान देना इसमें, इसमें भी क्या है, इसकी बात करें देखो ये क्या होते हैं, बराबर होना आवश्यक नहीं है इनका, ये बराबर होना जरूरी नहीं है, ठीक है ना, ये बराबर होती तो वर्ग में बदल जाएगा ये। फिर इधर ध्यान देना फिर आगे, अब क्या इसमें भी ये वाला सिद्धांत लागू होगा कि, तो इसमें इसको हटा दो, ये वाला ये परिभाषा इसमें हम नहीं पढ़ेंगे कहीं पे, ठीक है ना। तो इसको मैं मिटा दूँ, ये मिटा दी देखो इसको। अब आगे ध्यान देना इसमें, इसमें भी ये वाला भी हमारे काम का नहीं है, इसमें ये केवल उसमें समांतर चतुर्भुज में था। फिर अगला पॉइंट क्या जाएगा, इसमें सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, बिल्कुल होते हैं। फिर क्या जाएगा कि समांतर चतुर्भुज की जगह क्या आ जाएगा, इसमें समचतुर्भुज आ जाएगा, समचतुर्भुज आ जाएगा। समचतुर्भुज में क्या होते हैं, समचतुर्भुज में अंत कोण, ध्यान रखना समद्विभाजित यहाँ पे क्या है, देखो समद्विभाजित नहीं उसमें तो नहीं करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये बराबर होंगे कि समचतुर्भुज में विकर्ण, ध्यान देना ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा ये पॉइंट, इस पॉइंट को ध्यान देना यहाँ पे लेना। देखो मान लो मेरा कोण ए कितना है, 50 डिग्री का है, तो ध्यान रखना ये विकर्ण जो मैं खींचूंगा ना यहाँ पे, ये विकर्ण ये 25 तो इसको इधर बांट देगा और 25 इसको इधर बांट देगा, समझ में आ गया ना। ये लिखा हुआ कि समचतुर्भुज में विकर्ण अंत कोण को क्या करते हैं, समद्विभाजित, मतलब समद्विभाजित का मतलब तो दो बराबर भागों में बांटेंगे। जैसे मान लो ये कोण मेरा 60 डिग्री का था, तो 30 डिग्री का इधर हो जाएगा, 30 डिग्री का इधर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे विकर्ण खींचा हुआ है। समझ में आ गया ना ये पॉइंट। फिर आगे ध्यान देना इसमें भी यही कि एक ही रेखा पर, यानी एक ही भुजा पर बने अंत कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो ध्यान देना दोस्तों इसमें ये चीज़ लिखनी है आपको, समद्विभाजित करते हैं, यहाँ पे क्या लिखना, समद्विभाजित करते हैं लिख दोगे और ये वाली ट्रिक लागू हो रही है। और यहाँ पे क्या लिखोगे कि एक ही रेखा या एक ही भुजा पर बने अंत कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो जल्दी से आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। तो भावी अध्यापकों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आप ध्यान देना इधर, मैंने समचतुर्भुज की बात की, समचतुर्भुज क्या होता है, वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाओं का माप क्या होते हैं, समान होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, समचतुर्भुज बोलते हैं। फिर मैंने इसके बारे में बताया कि समचतुर्भुज जो होता है ना उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है, ध्यान रखना समचतुर्भुज में पहला तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें विकर्ण जो होते हैं ना एक दूसरे को क्या करते हैं, लंब समद्विभाजित करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर आगे मैंने क्या बताया था आपको, फिर मैंने आगे बताया कि सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। फिर उसके आगे मैंने बताया था कि विकर्ण जो है ना, विकर्ण अंत कोण को क्या करते हैं, अंत कोण को
संधि बातचीत मतलब दो बराबर भागों में बांटते हैं। संधि बातचीत का मतलब होता है दो बराबर भागों में। अब ध्यान देना जरा, अब हम पढ़ेंगे समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज, अब समलंब चतुर्भुज ये क्या होता है, देखो समांतर चतुर्भुज होता है ना उसी का बिगड़ा हुआ रूप होता है। तो समांतर चतुर्भुज की आकृति मैंने कैसी बनाई थी, देखो एक रेखा ऊपर खींची थी एक रेखा नीचे खींची थी, तो इसमें भी यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इसका रूप कैसे बिगड़ेगा, एक का तो बिगड़ जाएगा, ध्यान रखना इसको थोड़ा आगे बढ़ा दे, एक तो चली जाएगी इधर, एक चली जाएगी इधर, ये मेरा ए पॉइंट हो जाएगा, ये मेरा बी पॉइंट हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, ये डी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, ये ऐसी जो आकृति बनती है ना, इसका मतलब देखो समांतर चतुर्भुज में तो क्या थी, ये भुजा सम्मुख भुजा समांतर थी, लेकिन इसमें ये भुजा तो इसके समांतर, लेकिन ये भुजा इसके समांतर नहीं है। मतलब कि समलंब चतुर्भुज में भुजाओं का एक युग्म तो समांतर होता है लेकिन दूसरा युग्म समांतर नहीं होता है, ठीक है। तो इसकी परिभाषा लिख लेना कि वह चतुर्भुज, ध्यान देना, वह चतुर्भुज जिसमें भुजाओं का एक युग्म समांतर हो समलंब चतुर्भुज कहलाता है। तो ध्यान देना इसमें पहला पॉइंट लिखूं मैं, इसमें पहला पॉइंट क्या जाएगा, वो समलंब चतुर्भुज का जो पहला पॉइंट आएगा ना, वो पहला पॉइंट ये आ जाएगा कि भुजाओं का एक युग्म क्या होता है, इसमें भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है। तो यहाँ पे ध्यान देना, ये ए बी समांतर है किसके, ए बी समांतर है सी डी के, वो अच्छा भुजा समांतर है तो क्या उनका माप भी बराबर होना चाहिए, कोई जरूरी नहीं है। तो ध्यान देना इसमें देखो माप क्या है, इसमें यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, देखो ए बी नॉट इक्वल टू बराबर, यानी बराबर नहीं है किसके, सी डी के, और ये जरूरी भी नहीं है, देखो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, यहाँ तक तो चीज़ क्लियर है। अब ध्यान देना इसमें, अब मैं क्या बता रहा हूँ, इसमें अगला पॉइंट, अगला जो ये सूत्र है, देखो समलंब चतुर्भुज की परिभाषा समझ में आई नहीं आई, वह चतुर्भुज जिसकी भुजाओं का केवल एक युग्म, एक युग्म सुन लेना, केवल एक भुजा का युग्म समांतर हो उसे क्या कहते हैं, समांतर चतुर्भुज कहते हैं। फिर ध्यान देना समांतर चतुर्भुज की भुजा है इनकी, ये मध्य बिंदु मान लो ये है, और इसको मैं क्या करूँ, ये रेखाखंड इसको मिला रहा है, ये मेरा P है ये Q है, तो ध्यान रखना पी क्यू रेखाखंड की मेरे को क्या करनी है, लंबाई ज्ञात करनी है, तो मैं क्या करूँ दोनों समांतर भुजा को क्या करूँ जोड़ दूँ, तो ये मेरा ए बी प्लस सी डी और दो का भाग दे दूँ। समझ में आ रही नहीं आ रही दोस्तों, कि एक समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज की भुजा का मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड है, उसकी लंबाई ज्ञात करने के लिए हमें समांतर भुजा है, समांतर भुजा का योग करके दो का भाग दे देना है। आप बोलोगे कि अगर यही जो यही है ना मेरे पास, एक मैं क्या बना दूँ यहाँ पर, ये समलंब चतुर्भुज और बना दे, ये समलंब चतुर्भुज बना दूं मैं, ये बना दिया मैंने समलंब चतुर्भुज, इसका नाम है मेरा ए बी सी और डी, ठीक है ए बी सी डी, और मैं इसके विकर्ण देखो सम्मुख शीर्ष को मिला दिया मैंने, तो क्या बन गए ये इसके विकर्ण बन गए, ये सम्मुख शीर्ष को मैंने मिला दिया तो क्या बन गए इसके विकर्ण बन गए। अब ध्यान रखना विकर्ण के मध्य बिंदु को, इसका मध्य बिंदु ये है, इसका मध्य इसको मिलाने वाला रेखाखंड अगर मेरे पास मान लो आर एस आर एस है, तो इस आर एस की लंबाई क्या हो जाएगी, देखो आर एस की लंबाई हो जाएगी समांतर भुजा जो है ना, समांतर भुजा में से बड़ी भुजा में से छोटी भुजा को घटा दो का भाग दो। तो दोस्तों ये सूत्र भी आपको कभी कभी एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। इसी के साथ आपका समांतर चतुर्भुज होता है खत्म। अब हम एक अभ्यास प्रश्न करते हैं, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो भावी अध्यापकों ध्यान दे, हम जो ये वीडियो बनाते हैं और इस वीडियो के अंत में आपको एक अभ्यास प्रश्न देते हैं, ये अभ्यास प्रश्न मान के चलो कि रीड में पिक्स है अगर इस टॉपिक से प्रश्न आएगा तो, क्यों, क्योंकि हम बहुत ही इस पर गहनता से अध्ययन करके ये प्रश्न पेश करते हैं यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन जो है ना इसमें लिखा रीट 2021, यानी कि ये पिक्स है ये प्रश्न, मतलब कि प्रश्न पिक्स है, मतलब ऐसा कैसा नहीं है, ये ऑप्शन पिक्स है कि ऑप्शन ऐसे मिल सकते हैं आपको, ठीक है ना, ऑप्शन चाहे ऑप्शन ऊपर नीचे हो जाए लेकिन ऑप्शन ऐसे मिल सकते हैं। तो देखो ये क्या बोल रहा है कि निम्न में से असत्य कथन है, ध्यान रखना प्रश्न इसी यूनिट से ऐसे ही आते हैं। तो फिर इस वहाँ पर देखना इसमें पहला ऑप्शन क्या है, सम चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं, ठीक है आपको पता होगा, मेरे को तो नहीं पता आपको पता होगा, सम चतुर्भुज एवं वर्ग के विकर्ण अंतःकोण को समद्विभाजित करते हैं, इसको भी सोचो आप, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, समांतर चतुर्भुज की एक ही भुजा पर बने अंतःकोणों का योग 180 डिग्री नहीं होता है। तो दोस्तों इसका आपको मैं केवल 5 सेकंड दूंगा, इसके जल्दी से मेरे का उत्तर कमेंट करें इसका उत्तर। तो दोस्तों आपने कमेंट किया बहुत अच्छी बात है, कुछ बच्चों के उत्तर सही भी है, कुछ के जिनके गलत हैं वो देख ले इधर, इसमें असत्य कथन पूछा है ना। तो आपको पता है कि समांतर चतुर्भुज की एक ही, देखो यहाँ पे हमने समांतर चतुर्भुज बनाया था ऐसा, देखो इसकी व्याख्या देख लेते हैं यहाँ पे, ये मान लेते हैं समांतर चतुर्भुज है, इसकी एक ही भुजा पर, ये एक ही भुजा पर बने अंतःकोण का योग तो मैंने बताया था ना 180 डिग्री होता है, तो ये नहीं आएगा यहाँ पे, क्या होता है तो ये क्या हो जाएगा असत्य। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों, जय भारत माता।
हेलो दोस्तों, वेलकम टू धाकड़ साइंस क्लासेज। मैं जगदीश धाकड़ फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। दोस्तों, हमने अब तक जो है ना चतुर्भुज के परिभाषा, चतुर्भुज के प्रकार में पांच प्रकार की बात कर ले, छठा प्रकार आज पतंग है, इसके बारे में बात करेंगे। यदि आपने हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे तो उन वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो को देखे, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों इसको क्या कर ले, सब्सक्राइब कर ले। क्यों? क्योंकि कर भला तो हो भला, अगर आप भला करोगे तो आपका भला होगा। समझ में आ रही ना दोस्तों? ठीक है, तो इधर बात कर ले, देखो पतंग के बारे में। पतंग जो है ना दोस्तों, पतंग क्या होता है? एक विशेष प्रकार का चतुर्भुज होता है पतंग। क्यों? क्योंकि पतंग में चार भुजा होती हैं, ये चीज़ समझ में आई ना? तो पहली चीज़ में देखो इसकी आकृति बना रहा हूँ। पतंग जो है ना, पतंग का ये क्या बना रहा हूँ मैं, देखो चित्र बना रहा हूँ पतंग का। यहाँ पे लिख दूँ मैं पतंग का क्या है, ये चित्र। पतंग का देखो चित्र कैसे होता है, पहले तो मैं पतंग का चित्र बता दूँ आपको, ठीक है ना? पतंग का चित्र जो होता है ना, पतंग का चित्र ऐसा होता है। देखो दोस्तों, ये जो मैंने बनाया ना, ये देखो, ये क्या बनाई मैंने, एक पतंग बनाई है, ठीक है ना? ये पतंग बना दी देखो, ठीक है? अब ध्यान देना, ये पतंग बनाई मैंने। अब देखो इसमें कितनी भुजा, एक दो तीन चार, तो इसका मतलब ये हुआ एक विशेष प्रकार का चतुर्भुज है। तो ये चीज़ क्लियर है। अब आगे जाना, इसका नामकरण कर देते हैं हम। देखो पतंग बनाया तो ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, यहाँ तक भी क्लियर। और मैंने आपको बताया था ना, सम्मुख शीर्ष को मिलाता तो विकर्ण प्राप्त होता है। तो मैं क्या करूँ, देखो विकर्ण, ये मेरा एक शीर्ष है, ये इसका सम्मुख शीर्ष है। तो देखो इस विकर्ण को मैं मिला दूँ, देखो इससे ये मैंने विकर्ण को मिला दिया। और ध्यान देना, ये शीर्ष है, ये शीर्ष है, इसका सम्मुख शीर्ष कौन सा है, ये भी समझ में आ गया होगा आपको। तो देखो यहाँ पे क्या कोण आप बता सकते हो, तो आप बताओगे बिल्कुल 90 डिग्री का कोण है यहाँ पे, ठीक है ना? ये 90 डिग्री का कोण है, क्लियर चीज। तो मैं पहली चीज़ तो यहाँ पे ये क्लियर कर दूँ, ध्यान रखना इस पतंग में क्या क्या होता है। इस पतंग में पहली चीज़ तो ये देखो, ए बी और ए डी बराबर होते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो ए बी बराबर क्या होता है, ए डी। इसका मतलब ये भुजा और ये भुजा क्या होती है, बराबर, और ये भुजा और ये भुजा क्या होती है, बराबर, ठीक है ना? हम पतंग की बात करें, देखो सही पतंग है, ऐसा नहीं कि आप कोई सा ये पतंग बना दो और उसके भुजा ना आपने बैठ जाओगी और ये बराबर नहीं आ रही। हम एक मानक पतंग की बात कर रहे हैं, ठीक है ना? अब ध्यान देना, ये बराबर है। और क्या होता है इसमें, और जो होता है ना, ये होता है देखो, इसमें बी सी बराबर होता है किसके, सी डी के। मतलब कि ये भुजा और ये भुजा, ऊपर वाली भुजा, ये भुजा बराबर होती, नीचे वाली ये बराबर होती। यहाँ तक चीज़ क्लियर हुई होगी आपके। फिर मैं आगे अगला पॉइंट जो बता रहा हूँ ना पतंग के अंदर, अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट ये देखो, विकर्ण जो है ना कितने पे काट रहे हैं, 90 डिग्री कोण पे काट रहे हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ क्या, विकर्ण के मध्य कोण 90 डिग्री का होता है। तो अगला पॉइंट क्या हो जाएगा, विकर्ण के मध्य कोण जो होता है ना, ये लिखा मैं, देखो विकर्ण है, विकर्ण, विकर्ण के मध्य कोण 90 डिग्री का होता है, कोण 90 डिग्री का होता है। अब ध्यान देना, इसको गणितीय लैंग्वेज में लिख लेते हैं। गणितीय लैंग्वेज में क्या आ जाएगा, देखो 90 डिग्री का मतलब होता है लंब, 90 डिग्री का सीधा मीनिंग होता है लंब। और यहाँ पे ध्यान देना, ए सी किसके लंबे हैं, ए सी लंबे हैं किसके, बी डी के। यहाँ तक की चीज़ क्लियर है ये। अब आगे ध्यान देना, अगला पॉइंट क्या कहता है, फिर अगला पॉइंट ये कहता है कि ध्यान रखना, ये तो जरूरी है कि ये और ये, ध्यान देना, ये और ये तो क्या होगी, बराबर होगी। इसका मतलब मैं लिख दूँ, ओ बी तो क्या होगी, बराबर होगी ओ डी के। लेकिन ध्यान देना अगली चीज़ क्या है, लेकिन ये वाला मेरा विकर्ण है ना ये, अच्छा आप खुद देख के बताओ मेरे को, ये जो आपको ओ सी और ए ओ बराबर दिखाई दे रही है क्या, नहीं। तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरा ओ ए नॉट इक्वल टू बराबर, यानी बराबर नहीं है किसके, सी के, ठीक है ना? ये चीज़ क्लियर हुई, तो हमारा पतंग समाप्त हुआ। अब हमारा ध्यान देना, एक सातवां प्रकार और आता है हमारा, सातवां और आठवां प्रकार मैं यहीं पर बता दूँ आपको, ठीक है ना? सातवां और आठवां प्रकार में क्या करूँ आपको, यहीं पर बता दूँ। देखो एक का नाम तो है उत्तल चतुर्भुज, चतुर्भुज, और एक का नाम है क्या, अवतल चतुर्भुज, अवतल चतुर्भुज, ठीक है? यहाँ तक तो क्लियर है ना चीज, ध्यान रखना उत्तल चतुर्भुज क्या होता है। देखो आकृति बनाता हूँ मैं यहाँ पे, ये आकृति बना दी मैंने, एक इसको थोड़ा ऐसा कर देते, चलो ये आकृति बना दी मैंने, ठीक है ना? ये आकृति बना दी मैंने, थोड़ा ऐसे ले लेते हैं। देखो ये न तो समांतर कोई सा चतुर्भुज आपको नहीं दिखाई दे रहा, देखना भी नहीं है आपको, क्या देखना आपको, उत्तल देखना है। तो ध्यान देना एक चतुर्भुज मैंने बनाया, तो ध्यान देना इसका नाम रखता हूँ मैं ए बी सी और डी, ठीक है ना? ये नाम रख दिया मैंने। अब इसमें आपको ये समझना है कि देखो ए कोण जो है ना मेरा, मैं कह सकता हूँ कि ये ज़्यादा से ज़्यादा 100 डिग्री का हो सकता है, 90 डिग्री का हो सकता है, ठीक है? ये चीज़ क्लियर है। ये कोण भी मेरा देखो 100 डिग्री से कम ही है, मतलब 90 डिग्री से कम है, सीधी सीधी बात तो ये, या ये कोण मेरा 120 डिग्री हो सकता है, यहाँ तक तो क्लियर है ना? अच्छा ऐसा आपको इसमें से कोई कोण दिखाई दे रहा है जो 180 डिग्री से ज़्यादा हो, दिखाई दे रहा है क्या? नहीं। तो ध्यान देना अवतल चतुर्भुज क्या होता है, ऐसा चतुर्भुज जिसका एक कोण या एक से अधिक कोण,
या फिर हम देखो सीधी सी परिभाषा लिख दे, ऐसा चतुर्भुज, यहाँ पे लिख रहा हूँ देखो, ऐसा ऐसा चतुर्भुज जिसमें, ऐसा चतुर्भुज जिसमें सभी कोण क्या हो, देखो सभी कोण जो है ना, सभी कोण 180 डिग्री से कम हो, से कम। ध्यान रखना दोस्तों, ये इसी कंसेप्ट पर पिछली बार रीट में प्रश्न आया था, निम्न में दी गई आकृति में कौन सा अवतल है, कौन सा अवतल है, तो ये भी समझ लेना आप, ये आपने कभी नहीं पढ़े होंगे ऐसे प्रकार। ध्यान देना, उत्तल चतुर्भुज क्या होता है, ऐसा चतुर्भुज जिसमें सभी कोण, देखो ये कोण कितना था, ये भी देखो 180 से कम है, ये भी 180 से कम है, ये भी 180 से कम है, ये भी 180 से कम है, तो इसलिए ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा उत्तल चतुर्भुज, ठीक है ना, उत्तल चतुर्भुज। अब इसमें ध्यान रखना, देखो ये विकर्ण मिला दिए मैंने, ये सामने के मतलब सामने का शीर्ष इसको विकर्ण मिला दिया, ये दोनों विकर्ण मिला दिया ना, तो ध्यान रखना दोनों विकर्ण इसके अंदर ही तो है। देखो ये क्या है मेरा, एक चतुर्भुज है और विकर्ण दोनों अंदर है, तो यहाँ पे अगला पॉइंट क्या लिख सकता हूँ मैं, उत्तल चतुर्भुज में दोनों विकर्ण जो होते हैं ना, दोनों विकर्ण चतुर्भुज के अंदर स्थित होते हैं, चतुर्भुज के अंदर, ध्यान देना ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अंदर स्थित होते हैं, ये यहाँ तक समझ में आएगा ना, अंदर स्थित होते हैं। और ये समझ में आया नहीं आया दोस्तों, मैंने क्या बताया, देखो एक चतुर्भुज बनाया उसमें क्या क्या, मैंने बताया कि इस चतुर्भुज के सभी कोण जो है ना क्या है, 180 डिग्री से कम है, 180 डिग्री से कम है, कम, समझ में आ रहा है ना, तो इसलिए इसको उत्तल बोल दिया। अब ध्यान रखना, अगर 180 डिग्री से अधिक हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, समझ में आ रही चीज़, 180 से कम है तो उसको उत्तल बोल रहे हैं, 180 से अधिक हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे हम अवतल चतुर्भुज। अब अवतल चतुर्भुज कैसे बनता है, इधर ध्यान देना, देखो ये मैं बना रहा हूँ यहाँ पे अवतल चतुर्भुज की आकृति, अवतल चतुर्भुज की आकृति बना रहा हूँ मैं, देखो ये एक आकृति बनाई मैंने एसी, ठीक है ना, ये आकृति बनाई। अब इसमें देखो ए बिंदु मेरा क्या है, ये ए है, ये बी है, ये सी बिंदु मान लेता हूँ मैं, ये डी बिंदु मान लेता हूँ। अब दोस्तों अब ध्यान देखना, असली चीज़ तो अब आई यहाँ पे, इसमें ये कोण आप बोल सकते हो कि हाँ ये 180 से कम है, ये भी 180 से कम है, ये भी 180 से, चतुर्भुज में चार कोण होते हैं, चार में से तीन तो 180 से कम हो गए, बचा कोण एक, ये ध्यान रखना, देखो 180 से ये क्या है, ज़्यादा है, समझ में आ रही नहीं आ रही, ये 180 डिग्री से ज़्यादा है, इसलिए क्या बोलेंगे हम इसको, अवतल चतुर्भुज। तो परिभाषा लिखे हैं, ध्यान रखना, ऐसा चतुर्भुज यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो ऐसा चतुर्भुज जिसमें कम से कम एक कोण, ध्यान देना, कम से कम एक कोण 180 डिग्री से अधिक हो, उसमें कम की बात हो रही थी, यहाँ पे अधिक की बात हो रही है, समझ में आया नहीं आया, तो अवतल किसे बोलेंगे, 101 कोण, सभी कोण की नहीं बोल रहा, कम से कम अगर एक कोण भी 180 डिग्री से ज्यादा है ना, तो उसे क्या बोल देंगे हम, अवतल। इसमें जाने का, देखो इसमें मैं, ये मेरा क्या है शीर्ष है, ये भी मेरा शीर्ष है, शीर्ष से सामने वाली भुजा को मिलाया तो एक विकर्ण प्राप्त हो गया, और शीर्ष से सामने वाली भुजा को मिलाया, नहीं गलत बोल रहा हूँ मैं, ध्यान देना क्या कर रहा, सम्मुख शीर्षों को मिलाने पर, देखो ये शीर्ष है, इसका सम्मुख शीर्ष है, सम्मुख शीर्षों को मिलाने पर रेखाखंड बनता है, उसे विकर्ण बोल दिया, ये भी इसका सम्मुख शीर्ष ये है, ये मिलाया तो ये बन गया, तो इसमें क्या एक विकर्ण तो होता है अंदर, ध्यान देना इसमें क्या होता है, एक विकर्ण तो क्या होता है अंदर, ये लिख दिया मैंने अंदर, एक विकर्ण तो क्या होता है अंदर, और एक विकर्ण क्या होता है, एक विकर्ण बाहर होता है, एक विकर्ण कहाँ होता है बाहर, देखो जो मैं क्या ये लिखता हूँ ना लैंग्वेज चित्र से लिखता हूँ, एक विकर्ण तो आपको अंदर दिखाई दे रहा है, ये विकर्ण जो है ना, ध्यान देना ये विकर्ण है, ये आपको बाहर दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा है, बताओ बाहर दिखाई दे रहा है। तो इसके साथ दोस्तों हमारा चतुर्भुज के प्रकार खत्म हो चुके हैं, अब इस पर हम क्या करेंगे, अगली जो क्लास होगी ना बहुत सारे अभ्यास प्रश्न करेंगे, समझ में आ रहा है चीज़, बहुत सारे अभ्यास प्रश्न, मैं त्रिभुज के और इसके दोनों के मैं मिक्स में क्या करवाऊंगा, आपको अभ्यास प्रश्न करवाऊंगा, तो अगली क्लास हमारी क्या रहेगी, अभ्यास प्रश्न की रहेगी, उस क्लास को देखना न भूले, कंसेप्ट नहीं बताऊंगा मैं, कंसेप्ट तो आप इन्हीं में से समझना है, मैं डायरेक्ट सवाल करवाऊंगा वहाँ पे, तो ठीक है ना। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, पहले तो आप क्या करो इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों, ध्यान देना मैं बीच में कभी नहीं बोलता कि हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्यों, क्योंकि आपका ध्यान भटकता है, इसलिए मैं लास्ट में एक बार फिर से बोल रहा हूँ, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आपके वीडियो के साइड में एक लाल कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ आ रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिए, उसको दबा लीजिए, इससे क्या होगा हमारे जो भी नया वीडियो आएगा आपको तुरंत आपके पास आ जाएगा। तो दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद, जय भारत माता।